हमारी संस्कृति हमारी पहचान यज्ञ योग आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम भारतीय संस्कृति में यज्ञ योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं जिसका मूल है वेद इतिहास की ओर दृष्टि डालें, तो भगवान राम भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है ऐसे मोलिक्यूल्स कंपोनेंट्स भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं और उसमें जब हम रहते हैं तो स्ट्रेस तनाव डिप्रेशन आप सब जानते हैं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी भी कोई है तो डिप्रेशन स्ट्रेस है और अन्य बीमारियों का सबसे बड़ा कारण भी किसी चीज को माना जाता है वो भी स्ट्रेस डिप्रेशन को माना जाता है इसके कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां भी होती हैं और यज्ञ करने पर सबसे पहला वार उसी के ऊपर होता है स्ट्रेस तनाव डिप्रेशन से मानी मानसिक शांति का प्रतीक है मानसिक शांति हमें तुरंत मिलती है कैसे कंपोनेंट्स के माध्यम से मंत्रों का उच्चारण कियामिकल का बैलेंस होने से और परफ्राल आदि कंपोनेंट हमने लिया तो उसके कारण भी मानी एकदम से मन शांत हो जाता है रिलैक्स हो जाता है स्ट्रेस हार्मोन एकदम से डाउन आ जाते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो किसी भी प्रकार की दुनिया की कोई भी बीमारी भी हो वो शीघ्रता से दूर हो जाती है ये इतनी बड़ी विद्या है मानी यज्ञ एक विशुद्ध चिकित्सा पद्धति है और आज हमने केवल केवल मात्र यज्ञ चिकित्सा से भी बड़े बड़े दूसाध्य असाध्य कोटि के रोग ठीक किए और ऐसे ऐसे कैसा आपने सबने सुना होगा जिनको फेफड़ों की प्रॉब्लम हो जाए तो उनको क्या कहते हैं धुएं में नहीं जाना है, में जाते तो क्या होता है? अस्थमा का अटैक आ जाता है आप आयुर्वेद के ग्रंथों को खोलिए जहां पर श्वास दमा अस्थमा आदि का उपचार की बात आती है वहां सब जगह पर औषधीय धूम्र और यज्ञ की बात आती है राल का प्रयोग है मधुमक्खी का का प्रयोग है जो का प्रयोग है अलग अलग और भी बहुत सारी जड़ी बूटियों का प्रयोग है और उसी के आधार पर हमने जड़ी बूटियों का निर्माण किया रिसर्च किया उसमें वो कंपोनेंट्स भी पाया गया कफेस्टी हवन सामग्री और उसके बाद जब उसका प्रयोग कराया गया आज हजारों हजारों लोगों ने अपने घर में यज्ञ चिकित्सा में कफेष्टी का प्रयोग करके अपने अस्थमा दमा के पंप छोड़े यहाँ अस्थमा दमा के पंप छोड़ने की तो बात दूर लंग फाइब्रोसिस हमारे लंग्स के अंदर छोटी छोटी गांठें हो जाती इसको है इसको डब्ल्यू ला एच ओ कहता है ये लाइलाज बीमारी है इसकी मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई उपचार नहीं है आपको जानकर के आश्चर्य होगा हमारे मुंबई में एक बहन हमारी शिल्पा जी करके उनको पहले क्रॉनिक अस्थमा की प्रॉब्लम थी और लंग फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई और जब ये दोनों ही प्रॉब्लम बढ़ गई और इतनी क्रिटिकल अवस्था में आ गई तब डॉक्टर लोगों ने उनको जवाब दे दिया कि अब इसका कोई उपचार इसमें नहीं है आप इसको घर पे ले जाइए जो सेवा कर सकते हो करिए और उस समय उनकी ऐसी स्थिति घर के अंदर रोटी गैस के ऊपर पकती है ना कितनी स्माइल होती है वो भी वो सहन नहीं कर पाते और उनकी श्वास छोटी सी श्वास हो गई छोटी सी श्वास आती है छोटी सी श्वास जाती है और अपने नित्य कर्म भी करने में बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होती है और थोड़ी सी भी श्वास भरी तो वही तड़प करके सो जाती थी इतनी पीड़ा होती थी लंग्स में और इस अवस्था में जब वो आ गई तब उनको हमने यज्ञ करने के लिए कहा आप हवन कीजिए और विशेष जो कफ निवारक और लंग्स को बनाने वाली जो जड़ी बूटियाँ बताई उसके हवन और हवन के बाद भीमसेनी कपूर गुगुल गाय का घी और ये अफेष्टी हवन सामग्री से धुनी करने के लिए कहा और एक ही दिन में उनको आश्चर्यजनक लाभ हुआ और उतना उसका विश्वास बढ़ गया उन्होंने लगातार सुबह शाम दोनों ही टाइम करना चालू कर दिया पंद्रह दिन के अंदर वो लंबा गहरा श्वास भरना और छोड़ना उनका प्रारंभ हो गया उनको कहा प्राणायाम भी करो और उन्होंने खूब उसके साथ उसमें प्राणायाम किया हमने पहली बार देखा साढ़े तीन महीने के बाद रिपोर्ट कराई क्रोनिक अस्थमा और लंग फाइब्रोसिस दोनों ही क्योर आ गए पहली बार हमने देखा था लंग फाइब्रोसिस की रिपोर्ट हमने भी कभी क्योर होते हुए नहीं देखा था मानी जिसको हम क्रोनिक ये जो धूम्र होता है ना धूम्र धूम्र अलग होते हैं हम पेट्रोल जलाते गोबर जलाते, 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 है, है।, 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 है गाय का घी है अलग अलग जड़ी बूटियां हैं उसको जलाते हैं इससे जो निकलने वाला धूम्र है अलग है इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है जैसे गंध होती है ना गंध तो गंध है गुलाब की गंध गुलाब की गंध है अलग फूलों की गंध अलग फूलों की गंध है लेकिन गंध सारी एडिशनल पार्टिकल होता है गंध गंध तो है लेकिन उसमें भी दो भाग होते एक सुगंध होती एक दुर्गंध होती है उसके अंदर भी बहुत सारे खाली सुगंध को ही ले तो गुलाब है चंपा है चमेली है अलग अलग बहुत सारी प्रकार की सुगंधे है दुर्गंध को भी ले तो बहुत सारी प्रकार की दुर्गंध होती है लेकिन सारी की सारी चीजें क्या है मूल रूप में एडिशनल पार्टिकल एडिशनल पार्टिकल मात्र होता है लेकिन वो एडिशनल पार्टिकल हर एक का इफेक्ट प्रभाव अलग होता है आप गुलाब सुी होता है स्ट्रेस डिप्रेशन को कम करता है आप दूसरी दुर्गंध को सूंघिए मन खिन्न हो जाएगा बेड हार्मोन्स बनेंगे उससे स्वास्थ्य की हानि होगी इससे स्वास्थ्य आरोग्य अच्छा बनेगा होता है ऐसे ही धूम्र धूम्र के अंदर अंतर होता है धुआं धुआ ही है लेकिन धूम्र के अंदर कौन से, से कौन से वो पोल्यूशन मेडिसिन होता है क्या होता है मेडिसिन होता है और उसमें जब हम प्राणायाम योगाभ्यास चीज करते हैं तो उसमें बहुत विशेष लाभ होता है तो इसलिए यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति भी है उसके साथ साथ ये देव ऋण से उण करता है अग्नि वायु जल पृथ्वी सूर्य चंद्र इन सब से हम ले रहे हैं दे क्या रहे हैं 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 तो वो 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 दाना देव देव दे रहे हैं, इसलिए वो देव हैं, हम ले रहे हैं तो हम ऋण हो गए इसको कहते हैं देवरीन। क्या कहते हैं हैं देव देव ऋण ऋण क्या और उस देवरीन से उऋण होने के लिए भी शास्त्रों में प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए कहा और उसके साथ साथ ये पुण्यों का भी बहुत बड़ा साधन है बहुत अथाह पुण्य प्राप्त होते हैं यज्ञ करने से सबसे ज्यादा परोपकार होता है और जितना ज्यादा परोपकार करोगे उतना ही ज्यादा पुण्य मिलेगा और ये मनोकामना का अलग अलग मनोकामनाओं भी पूर्ण करने वाला यज्ञ बताया गया है अभिप्राय है कि यज्ञ करने से बैक्टीरिया वायरस फंगस रेडिएशन से लेकर के वायु प्रदूषण से लेकर के सारे समस्त प्रकार के अशुभ अदृष्ट अशुभ से मुक्ति दिलाने के साथ साथ, साथ सबसे इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण हमारे वायु रूप आहार का शोधन पोषण उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने से लेकर के अपने परिवार में घर में जंगल जैसा वायुमंडल देने के साथ साथ मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है और पंचभूतात्मक या पिंड और ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की सबसे बड़ी विधा और विद्या को हेतु तो यज्ञ है इसलिए इसको श्रेष्ठतम कर्म कहा कि मनुष्य के द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं उसमें सबसे उत्तम और श्रेष्ठतम कर्म कोई है तो क्या है यज्ञ कितने सारे लाभ है दृष्ट लाभ अदृष्ट लाभ भौतिक आध्यात्मिक अनेक अथाह लाभ कई बार हम यज्ञ की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में आते तो ब्राह्मणों का विषय है पंडितों का विषय है पुजारियों का विषय है ये हिंदुओं का विषय ये हम सबका विषय क्या वायु में वही श्वास लेते हैं हम सब ले रहे हैं वायु प्रदूषण उसको ही प्रभावित करता, करता है हम सबको करता है चाहे बैक्टीरिया हो वायरस हो फंगस हो रेडिएशन हो सबको प्रभावित करता नहीं करता है सब बीमार होते ही नहीं होते हैं और हम सब इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं नहीं लेते हैं तो हम सब की जिम्मेदारी है चाहे कोई भी व्यक्ति हो किसी भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो अमीर हो गरीब हो चाहे बालक युवा वृद्ध स्त्री पुरुष चाहे किसी भी देश में रहने वाला हो हम सब समान रूप से इन सारी चीजों का प्रयोग लेते एक ही धरती पर विचरण करते हैं एक ही वायु में श्वास लेते हैं एक ही जल का पान करते हैं। एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं एक ही सूर्य से रोशनी लेते हैं हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं और इस प्रकृति माँ का पोषण संवर्धन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु को है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र इसलिए इस यज्ञ को मत पंथ संप्रदायों में बांटने की नहीं अपित तो अपनाने की आवश्यकता है और इसको अपनाएंगे तो इस साइंटिफिकली भी शास्त्रीय और आचरण में लाएंगे तो हमें अनुभव में भी तो ये बहुत ज्यादा तो नहीं करना चाहिए इसको देव यज्ञ कहते हैं क्या कहते हैं और दूसरा चिकित्सा यज्ञ क्या कहते हैं ये छोटा सा होता है पांच से दस मिनट लगती है कितने मिनट लगती है इसके लिए कोई ब्राह्मण पंडित पुजारी की आवश्यकता नहीं होती हैं केवल तीन चीजें चाहिए जो ब्राता जी ने फल फूल ये सब लाया ये हमें कुछ चाहिए तीन चीजें चाहिए कितनी चीजें चाहिए समिधा समिधा मानी हवन के लिए जो लकड़ी प्रयोग करते हैं समिधा दूसरा चीज हमें चाहिए गाय का घी और तीसरा चीज हमें चाहिए हवन सामग्री कितनी चीजें चाहिए ये तीन चीजें हैं और दस मिनट का समय है तो हम देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ कर सकते हैं और देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ दस मिनट के लिए इतना करते हैं तो कितने सारे लाभ हमने देखे हमें अपने घर को घर के अंदर जंगल जैसा वायुमंडल लाना है तो क्या करना पड़ेगा आपकी आवाज बड़ी कमजोर आ रही है क्या करना पड़ेगा हाँ हमें आरोग्य प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा बीमारी हो गई है और उसको ठीक करना है तो क्या कर सकते हैं वायु प्रदूषण से बचना है तो रेडिएशन से बचना है तो बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि से बचना है तो पुण्य चाहिए तो सारी जगह पे यज्ञ जुड़ा हुआ है। करेंगे प्रॉमिस से दस मिनट कुछ भी नहीं आता तो गायत्री मंत्र कितने लोगों को आता है गायत्री मंत्र सबको आता है गायत्री मंत्र से ही अग्नि प्रदीप करके ग्यारह इक्कीस आहुति गायत्री मंत्र से ही दे दो कर सकते हैं करेंगे आइए हम सब मिलकर के करते हैं पहले सब लोग सीधे बैठ करके पहले हवन की पूर्व तैयारी सबने कर ली है देखिए हवन कुंड के अंदर नीचे तल में थोड़ी सी जड़ी बूटियां डाल दिया उसके अंदर थोड़ी सी बीच में रुई लगा दिया उसके ऊपर एक दो चम्मच गाय का घी डाल दिया उसके ऊपर एक टिकिया कपूर की पाउडर करके डाल दिया और दो समीधा दो लकड़ी इतनी मात्रा में काटी कि ये हवन कुंड के अंदर आडी इस प्रकार के आ गई इतना ये हवन कुंड के अंदर पूर्व तैयारी कर लिया आपने इतना कर लीजिए इसके बाद देखिए हम आगे भी जो संविधा लगाएंगे वो कैसे लगानी है ऐसे लगानी है देखिए जो भी हम संविधाएं लगाएंगे ना ऐसे लगाएंगे ठीक है दो आडी तो दो खड़ी आप सब देख लें जो हवन कुंड के ऊपर बैठे हैं ऐसे ही हम संविधा लगाएंगे इसके ऊपर भी लगाएंगे तो ऐसे ही संविधाओं का चयन करेंगे तो अभी केवल हवन कुंड के अंदर दो संविधाए लगाइए और बाकी इतनी छोटी छोटी चार से पांच लकड़ी देखिए इतनी छोटी से चार पांच लकड़ी को लीजिए और गाय के घी से इसको थोड़ा सा सिंचित कर दीजिए और एक प्लेट के अंदर थोड़ी सी जो आपके पास जड़ी बूटियां हैं ना सबके पास एक प्लेट के अंदर थोड़ी सी जड़ी बूटियां रख लिया एक छोटा सा आचमन पात्र जिसके अंदर थोड़ा सा पानी ले लेंगे ये जब हम आचमन और अंग स्पर्श करेंगे तब इस पानी का प्रयोग करेंगे एक कलश के अंदर पानी रखा है जब हम जल आदि करेंगे तब इसका प्रयोग करेंगे और इससे अतिरिक्त एक छोटे से पात्र के अंदर जो लंबी दंडी वाला है उसके अंदर गाय का घी हमने रख लिया ये लंबी दंडी वाला चम्मच इसको कहते हैं शुरुआ क्या बोलते हैं इसको पकड़ने का एक ढंग होता है ऐसे मध्यमा जो लंबी उंगली उंगली होती है ना मध्यमा उंगली का प्रथम जोड़ के ऊपर और अंगूठे और प्रथम मंत्र के, के मंत्र के अंत में जब स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ आहुति देते हैं ऐसे ही जो जड़ी बूटियां होती हैं उसको भी पकड़ने का एक ढंग होता है एक तरीका होता है जैसे जड़ी बूटियां हमारे पास हैं और राइट हैंड जमुना और, हैं। और, हैं और कम भी ले सकते हैं। बुझनी नहीं चाहिए या प्रभावित नहीं होनी चाहिए उतनी मात्रा में जड़ी बूटियां लेनी है हम छोटा सा है, है तो थोड़ी थोड़ी लिया एक ही व्यक्ति है तो थोड़ा ज्यादा लिया। ऐसे। और जब आहुति देंगे तो ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति देते उल्टे हाथ से ऐसे अग्नि में आहुति नहीं देंगे ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति देंगे ठीक है जब मंत्र से पहले ओम का उच्चारण करते हैं ना तब हाथ में लेते हैं और अंतिम में स्वाहा बोलते हुए आहुति देते हैं इससे अतिरिक्त एक आपके पास दीपक रखा है उस दीपक के अंदर बाती लगा दीजिए और रोई की बाती लगा दी और थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दिया दीपक तैयार करके रख लिया और उससे अतिरिक्त एक दो कपूर और एक माचिस अपने पास रख लीजिए इतनी चीज हमारे पास है अब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं सब लोग सीधे बैठ जाइए अब हम जले में दोनों हाथ रख करके लंबा गहरा श्वास भर के मंगलाचरण करेंगे ओ का के बाद अब हम आचमन करेंगे अपने दाएं हाथ की अंजलि में राइट हैंड की अंजलि में जल लेंगे दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे एक चम्मच और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल को को नाली नुमा बनाते हुए बिना आवाज़ किए इस जल का पान करते हैं इसको कहते हैं आचमन तीन मंत्र से तीन बार आचमन करेंगे आचमन करने के बाद हाथ को सिर के ऊपर नहीं ले जाएंगे वापस लाएंगे दोबारा जल लेंगे ठीक है ओम अमृतो पस्तरण मसी स्वाहा ओम अमृता पिदान स्वाहा तीसरी बार जल लेंगे ओम सत्यम यश श्री श्री श्रयता स्वाहा अब हाथ को धो लेंगे आपके पास जो छोटी सी प्लेट है उसमें अवशिष्ट जल को डाल देंगे हाथ को धो लेंगे अवशिष्ट जल को छोटी सी प्लेट के अंदर डाल देंगे और लेफ्ट एंड में अब एक चम्मच जल लेंगे बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे एक चम्मच लेफ्ट एंड में और राइट एंड की जमुना हाथ की दाएं हाथ की मध्यम और अनामिका दो उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए हम अंग स्पर्श करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे उस इंद्रियों की पवित्रता शुद्धिकरण और शक्ति की ओम वांग नसोर्मे प्राणोस्तु ओ अण ओम कर्णयोर श्रोत्रस्त ओम बाहोरमे बलमस्तवर्म ओ ष्ठानि मेंगाणि तनु स्तनवामे सहसंतू शरीर के सभी अवयव के ऊपर अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमने संपन्न की उसके बाद हम सीधा यज्ञ प्रारंभ कर सकते और हो सके तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना आठ वेद के मंत्र होते हैं उससे प्रभु के स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए कर सकते हैं अन्यथा सीधा दीप प्रज्वलन करते हुए भी यज्ञ कर सकते हैं तो अपने हाथ में माचिस लीजिए और तीन महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए आपके पास जो दीपक रखा है ना इस दीपक को हम प्रदीप्त करेंगे तीन महाव्याहृतियों के साथ और दीप प्रज्वलन करने के बाद आपके पास में जो लंबी दंडी वाला चम्मच श्रुआ है उसके अग्रभाग में एक या दो टिकिया कपूर की रख लीजिए और इस कपूर को दीपक की अग्नि से प्रदीप्त करके अगले मंत्र के अंत में हवन कुंड के बीच में इस अग्नि को हम स्थापित करेंगे ओम भूर भुव भूमना पृथ्वी वीमणा आते पृथिवी दे पृष्ठे अग्नि मन्नाद दन्ना हवन कुंड के बीच में इस अग्नि को स्थापित कर दीजिए अब इसके ऊपर आडी एक समिधा लगाइए ये जो आपके पास गाय की घी से भीगी हुई समिधा ने एक आडी ऐसे लगाए कि नीचे से उठ रही लो के ऊपर ऐसे सीधी टच हो देखिए ऐसे टच हो ऐसे एक आडी समिधा लगाइए जिससे वो अग्नि सीधे प्रदीप्त हो और अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान दो या तीन गाय के घी की आहुति देंगे ओम उद्भद्यस्वाग्ने प्रतिजागृही त्वमिष्टा पूरते सगम श्रीजेथामयंच अस्मिन् सदस्ते अद्योत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्चसि दत अब आपके पास जो अन्य संविधाएं हैं उसको दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में एक समिधा को लीजिए एक हवन कुंड के ऊपर एक समिधा और जब चयन करेंगे तो पहले मैंने जो आपको बताया ना दो आडी रखी है तो उसके ऊपर दो ऐसे रखेंगे फिर दो ऐसे इसी प्रकार समिधाओं का चयन करेंगे अब आगे ओ अयंतम आत्मा जात वेदस्ते नेस्व वर्धस्व चेदर्धय चास्मा प्रजया पशुर्ब्रह्मसेसेना सवा आदमे जातवेदसेद मम दूसरी समी लेंगे धाग्निधुस्यता घृतेर्बोधयता तिथि आम हव्याजुहोतन सुसविद्याशोचिषे घृत तीव्रम जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे मसरी श्री समिधा लेंगे ओम तंवासमीरंगिरो घृतेन वर्धयामसी बृहच्छोचा विष्ठ्य स्वाहा इदमग्न अंगिरसे अंगिसे इदन्न मम और दीपक को ईशान कोण पर उत्तर और पूर्व के कोण के ऊपर रख देंगे और अब पांच गाय के घी की आहुति प्रदान करेंगे ॐ अय॑न्तद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसे समेधय स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदं इदन्नमा न जाने कितनों ने दी इन अमित्र रोगों के संतापों से है वर्तमान भी आज दुखित न पूछो भविष्य के प्रकोपों से प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञ अनुष्ठान घर आंगन में वहां मनुष्य तर सब जूमते शांति भरे सुख आनंद से इदम हविर यातु धाना नदी भेना इमाम वहत अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है वैसे ही यज्ञ में आहुत की हुई हवी सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो हमारे साथ एक संतोष साठे करके ग्रस्त आए थे वो तो मेरे रूम में थे उनका करीब आठ से दस साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में उनकी इतनी बड़ी इतनी बड़ी जख्म थी जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे, ना उनको डायबिटीज था ना उनको कोई चीज थी स्किन पूरी निकली हुई रोज सवेरे वो ड्रेसिंग करते थे तो वो भी इसी कार्यक्रम में आए थे दे, हाँ घाव देखा नहीं जाता था ओके? और जब उन्होंने हम लोगों का रूम में बात हुई मैंने कहा कि आपने इतना कोशिश करके देखा है तो क्यों ना हवन का भी आप देखो उसको कोशिश करके उन्होंने हवन का एक काम किया और अभी उनकी फोर्टी परसेंट स्कीन आ गई है उनको पेड़ के ऊपर कमाने के चक्कर में रोग को ले लिया साथ में डायबिटीज आ गई और इतनी बड़ी कि जिसमें इंसुलिन लेने के बाद भी असर नहीं होता था उस स्टेज तक पहुंच गया था मैं उस स्टेज तक मैं पहुंच गया था इन्होंने बताया यज्ञ के बारे में कैसे है क्या फायदे हो रहे कितने लोगों को फायदा हो रहा है तो फिर मैं सोचा चलो और तीन दिन इन्वेस्ट करूं इसमें इन्वेस्ट किया मैंने चलो तीन दिन में जाके देख क्या हूँ यज्ञ में क्या फायदा होता है तीन दिन में गया और पहले ही दिन जो असर हुआ शायद वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन था पहले ही दिन से जैसे जैसे दूसरा ती, तीसरा दिन और ऐसा लगने लगा कि शायद यज्ञ ही हमारा जीवन है और मेरे शरीर में तो परिवर्तन सौ टका आ गया नाइनटी नाइन परसेंट नहीं बोलूंगा हंड्रेड परसेंट मेरे जीवन में भी परिवर्तन आ गया और मेरे रोग में भी परिवर्तन आ गया महिला मंडल के ग्रुप में ये प्रयोग शुरू किया खाली हवन सिखाऊंगी मैं धीरे धीरे सिखाने के बाद जो घी का लेपन हम लगाते थे उसमें 40 टू 50 परसेंट लेडीज लोग का नी पेन दूर हो गया है मेरा खुद का एग्जाम्पल है मेरा राइट रिस्ट ये थम यहाँ से बेंड नहीं हो रहा था ऑपरेशन की डेट थी लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो मैंने वो डेट डिले करा के अप्रैल में की थी लास्ट मंथ फिर धीरे धीरे वो हवन का घी ही लगाते लगाते मुझे ये हाथ में भी ठीक हो गया ना मैंने ऑपरेशन कराया अभी सारा काम मैं खुद करती हूँ मैं ट्यूशन्स लेती हूँ बच्चों को सर्दी खांसी जब होती है मैं उनके पेरेंट्स को वही बोलती हूँ आप कोई डॉक्टर के पास मत जाइए मैं घर पे हवन करती हूँ उसी में उनको बिठा के मैं उनका इलाज करूंगी आज वो बच्चे लोग मम्मी पापा को नहीं बोलते मम्मी को बोलेंगे हमारा स्वस्थ कर देते और मैं खाली हवन करा के गायत्री मंत्र का उनको मंत्र सिखा के नीलगिरी लास्ट में और गूगल डाल के जो धुआं उठता है उसमें लंबी लंबी ब्रीदिंग कराती हूँ और उससे उनका आज लंग्स प्रॉब्लम है जो भी सर्दी खोखला है सब दूर हो चुका है और मैं हमेशा हमारे मंदिर में को, हमेशा बजे यज्ञ हर महीने कराती हूं मैं और इससे बहुत जन को फायदा हुआ है और आप इतना समझिए जब मुझे इतना फायदा हुआ इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे सामने तो आप क्यों ना ये प्रयोग करें यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है तो आइए हम संकल्प लें संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें विश्व स्वास्थ्य का एक नारा यज्ञ से होगा जग उजियारा भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं साय साढ़े ग्यारह बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नौ शून्य छ आठ तीन शून्य